चलो पानी में प्रैक्टिस कराएगा आपकी ना? प्रैक्टिस कराएगा फ्रीजा से ना फ्रीजा से की है उसने 2 बार स्नॉर्कलिंग की है। मैं कर चुका कई बार, 4 साल से इधर घूमता रहता हूँ, ये आई है पहली बार इधर। हाँ ये जो अगल बगल है जो जिसका भी टाइप का अंदर पेड़ जैसे दिखते हैं वैसे कोरस कहते हैं। हाँ सिंगल कोरस कहते हैं इसे। ये है उधर सामने से हम आए थे, ये है एलिफेंट बीच। तो यहाँ पे सब हमने वाटर स्पोर्ट्स की राइड्स करी एंड यहाँ पे आपको खाने पीने का कुछ नहीं मिलेगा, नारियल पानी मिलेगा एंड ये इधर एक स्टॉल है जहाँ पे आपको फ्रूट्स कट करके देंगे, ये फ्रूट्स और नारियल पानी और कुछ नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पे लोग बैठे हैं, कुछ राइड्स करके बैठे हैं, कुछ राइड्स के वेट में बैठे हैं। अभी मैंने तो जेट्स की, स्नॉर्कलिंग, सी प्लेन और एक और राइड थी वो करी, मुझे अभी इसका नाम याद नहीं आ रहा। ये वाली है जो सामने दिख रहा है ना अभी येलो कलर का, ये वाला एक ये था। तो बहुत मज़ा आया था। देखिए सारे राइड्स हैं इसमें, 10-15 तरह की राइड्स करवाते हैं ये, और मज़ा आता है खूब। बैठने के लिए ये है कि बैठने के लिए छाया है यहाँ पे। तो ये है एलिफेंट बीच, एंड जो भी फ़ोटोज़ वीडियोस पॉसिबल होगी वो मैं इसमें अटैच कर दूँगी वीडियो में, और मैं अपलोड कर दूँगी उसको। और अभी हम वापस ट्रैकिंग के रास्ते से जाएंगे, जहाँ पे हमने अपनी स्कूटी खड़ी करी थी वहाँ जाएंगे, और वहीं से अपनी स्कूटी पिक करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ ये ट्रैकिंग का रास्ता जिस रास्ते से हम आए थे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपने देखा होगा कि ये पूरा पानी से भरा हुआ था जब हम पानी में चल चल के आए थे। एंड इस टाइम पे यहाँ का पानी जो है वो पूरा ख़त्म हो चुका था, हल्का हल्का सा बचा था। तो इस वीडियो में पूरी ट्रैकिंग है जो भी 2 किलोमीटर के अराउंड है ये, तो इस वीडियो में मैंने बताई है वो। एंड तक है ये वीडियो। वहाँ से हमने अपने स्कूटी पिक की और फिर हम गए घर। और वैसे भी सॉल्टी वाटर में थोड़ा नहाने से चिपचिपे से बॉडी हो जाती है, तो आपको घर जाके साफ़ पानी से नहाना ही पड़ता है। एंड तो घर जाएंगे, नहाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर शाम के टाइम को निकलेंगे बाहर, और फिर देखते हैं फिर नेक्स्ट डे हम निकल भी जाएंगे, क्योंकि हमारा हैवलॉक का ट्रिप भी कंप्लीट हो गया है। तो फिर बस अभी कुछ नहीं बचा, ये पूरा कंप्लीट हो गया है हैवलॉक एंड नील की वीडियो। अभी सिर्फ घर जाना है और आराम करना है। सोचा कि चलो थोड़ी देर निकलते हैं बाहर, डिनर करने के लिए आए हैं हम अभी यहाँ पे। तो अभी ढूंढ रहे थे कि कहाँ जाएं। तो फिर मुझे दिखा ये पंजाबी किचन, तो हमने बोला डिसाइड किया कि हम यहीं जाएंगे खाना खाने के लिए। तो अभी जाएंगे अंदर और देखेंगे इनका मेन्यू देखेंगे सब वेज है या नहीं है, क्या है, फिर आपको बताते हैं कि हमने क्या खाया, कैसा था, ताकि आप लोग आएँ तो आपके पास एक अच्छा फूड ऑप्शन हो, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत ना पड़े। एकदम मेन रोड के साथ ही आई है। और ये रास्ता जाता है जेटी की तरफ को। तो चलिए एंटर करते हैं अंदर की तरफ को। बड़ी आईपीएल चल रहा है। तो यहाँ आके ऑर्डर करी थी वेज थाली कि उसमें सब आ जाता है, तो फिर ज़्यादा कुछ वो करने की ज़रूरत नहीं, सिलेक्ट करने की कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं। तो इसमें हमें मिलता है राइस है, रोटी है, दो रोटी हैं, पापड़ है, और सब्ज़ी में है ये दाल फर्स्ट नंबर पे, ये है पनीर और मिक्स वेज, और इन्होंने स्वीट में गुलाब जामुन भी दिया है, साथ में प्याज भी है, सैलेड और अचार भी है। तो एकदम फुल थाली है ये, और एकदम आपको बजट में मिलेगी। तो अभी पहुंच गए हैं जेटी पे, हैवलॉक जेटी, जा रहे हैं वापस पोर्ट ब्लेयर। तो ये जो गेट दिख रहा है, इस गेट से हम एंटर करेंगे और जाएंगे, अपना शिप लेंगे, बैठेंगे और जाएंगे घर। हो गया ट्रिप ख़त्म हमारा इधर ही। आगे जो है फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, इसलिए मुझे फ़ोन यही बंद करना पड़ेगा। तो मिलते हैं फिर, बाय बाय। इधर से एंटर किया हमने हैवलॉक जेटी से। हैवलॉक का नाम भी स्वराज द्वीप हो गया है, चेंज हो गए। एंड यहाँ पे अंदर आके पता चला कि ऐसे फोटोग्राफी का कोई मना ही नहीं है, वो सिर्फ नील की जो जेटी है वहाँ पे मना करते हैं। तो फिर मैं क्या थोड़ा सा शूट कर लेते अंदर का। तो ये है जेटी, एंड वो देख, अगर आपको दिख रहा होगा इसमें, तो सामने से शिप आ रहा है, इसमें हम जाएंगे। अभी ये शिप आएगा अभी आगे से, ये वाला, इसमें हमको जाना है वापस। उधर से बैठेंगे हम, ये सारे लाइन इसी के लिए लगे। यहाँ पे ये शिप लगेगा और इसमें हम फिर चढ़ जाएंगे। ये देखिए शिप आ गया हमारा, अभी ये लगेगा इधर। इधर आगे जैसे लगेगा ये, और ये जो सवारियाँ ये उतरेंगी और फिर ये दूसरों को चढ़ाएगा इसमें। उस तरफ से आया था। चलो बाय बाय कर देते हैं ब्लॉग को। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हैवलॉक एंड नील का ट्रिप होता है ख़त्म। अभी जा रहे हैं पोर्ट ब्लेयर, एंड मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट करना ना भूलें गाइस, जितना हो सके उतना कमेंट करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।